शनिवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह के नेतृत्व में कान्हा उपवन महमा में निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा श्रम दान करते हुए साफ सफाई कराई गई। साथ ही गोवंशीय पशुओं की भी सेवा की गई। सफाई अभियान में लगभग 175 कर्मचारियों ने परिसर की विधिवत सफाई की। साथ ही पशुओं के भोजन एवं पानी के स्थलों को भी साफ किया गया। पशुओं के रहने के शेड की सफाई एवं धुलाई कराई गई। पशुओं द्वारा शेड एवं परिसर में इधर उधर की गई गंदगी को भी साफ कराकर निस्तारित कराया गया। इस मौके पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि जनता स्वयं अपने घरों एवं आसपास के स्थलों मोहल्लों में सफाई के लिए योगदान देवें, ताकि साफ सफाई रखते हुए सभी की संक्रामक रोगों से बचाव हो सके। नगर आयुक्त ने नागरिकों से अपील किया कि स्वयं भी नगर को स्वच्छ रखें और लोगों को भी सफाई रखने के लिए प्रोत्साहित करें। नगर आयुक्त ने कहा कि कुपोषित परिवार के लोगों को निःशुल्क गाय दिलाया जाएगा, जिससे वे गाय के दूध से अपने बच्चों को कुपोषण से बचा सके। श्रमदान कार्यक्रम में अपर नगर आयुक्त आरबी सिंह, लेखाधिकारी अमरेश बहादुर पाल, मुख्य अभियंता सुरेश चंद, जनरल अधिकारी टू नर्वदेश्वर पांडे, अखिलेश श्रीवास्तव, विवेकानंद, अवनीश भारती, सफाई निरीक्षक राम विजय पाल एवं श्रवण सोनकर, कर अधीक्षक विपुल विक्रम राय, कार्यालय अधीक्षक पवन मिश्र, स्टेनो ब्रजेश तिवारी एवं अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, नगरवासियों को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। नवरात्रि के इस पावन पर्व पे पूरे नगर निगम प्रशासन ने एक निर्णय लिया कि आज सभी लोग, जितने भी हमारे वरिष्ठ से लेकर जितने हमारे कनिष्ठ अधिकारी कर्मचारीगण हैं, जितने हमारे सफाई कर्मचारी हैं, सब लोग हम लोग मिलकर कान्हा उपवन में जाएंगे और उनके बीच में हम लोग गौ सेवा करेंगे, श्रमदान करेंगे गौ सेवा के रूप में। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए और आप देख रहे हो सुबह 7 बजे से यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सफाई कार्य में हमारे सारे अधिकारी और कर्मचारी खुद लगे हुए हैं और बहुत ही माइन्यूटली कह सकते हैं कि सफाई का काम को किया जा रहा है। और निश्चित रूप से हमें ये उम्मीद है कि इसी प्रकार की जो सफाई व्यवस्था आगे मेंटेन रहेगी। साथ ही आज ही यहाँ पर एक आदेश किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय की जो निराश्रित गौवन सहायता योजना है, उसके तहत हमारे यहाँ पे जो ऐसी जितनी भी गायें हैं जो थोड़ा भी दूध देने में सक्षम है, 1 लीटर 1.5 लीटर से ऊपर दूध दे रही हैं, उन गायों को हम उन परिवारों को निःशुल्क दे देंगे जिनके पास के, जिनके घर में जो बच्चे हैं वो और अति कुपोषित हैं और आर्थिक संसाधनों के अभाव में पूरी तरह से उनको मतलब पोषण नहीं कर पा रही है। तो हम उन ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और चिन्हित करने पर इन जो हमारी गौ माता है, गौवंश हैं, हम उनको जो है निःशुल्क इसको दे देंगे। निश्चित रूप से इससे हमारे जो नौनिहाल हैं, हमारे जो देश का भविष्य है, वो मजबूत होंगे, शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, मानसिक रूप से मजबूत होंगे और जब वो मजबूत होकर आएंगे तो जो हमारी भावी पीढ़ी आगे आएगी तो देश भी मजबूत बनेगा। इसी एक मोटो को लेकर, लक्ष्य को लेकर पूरा नगर निगम प्रशासन की टीम यहाँ पर काम में लगी है।